भाजपा विधायक पर मुस्लिम समुदाय ने लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि सांगीपुरा से रसूरा होते हुए नगला संपर्क रोड की हालत इतनी खस्ता है कि अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो मुसाफिर का निकलना दुश्वार हो जाता है। वहीं गांव के एक व्यक्ति ने मौजूदा विधायक सुरेश राठौर पर मुस्लिम समुदाय से घृणा करने का भी आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि हमारे 10 गांव की ये पट्टी है और हर गांव से 50 से 100 वोट भाजपा की निकलती हैं। उनका कहना है मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां कुछ देखने को नहीं मिला। इस रोड पर कई की गिरने के बाद मृत्यु हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि कई महिलाओं का तो गिरने के बाद हाथ पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं। खास मोदी राज में उत्तराखंड जैसे संपन्न प्रदेश में ऐसी सड़क या गांव मिल सकती है। इस वजह से ड्राइवर को भी कुछ पता नहीं चला। ड्राइवर को जब कुछ नहीं पता चला तो यहाँ मौके पर दोनों सगे भाई थे जी, बहुत दर्दनाक घटना हुई थी जी। और इसी तरह का अब भी हमें कहाँ के थे जो जिसकी मृत्यु हुई थी नगले के जी, जेल गए, एक मिनट का भी मौका नहीं मिला था माफी तलाफी का भी। अजी हम तो ये चाह रहे कि हमारे रोड की पूरी की वीडियो बनाई जा पूरी सर्किल की, और इसे जो है राठौड़ के खिलाफ विकास मंत्री को दी जा और एमपी को। हाँ विधेयक का नाम है राठौड़, पूरा नाम क्या है उसका? सुरेश राठौड़। ये बताओ ना आज सुरेश राठौड़। इससे पहले कौन था? इससे पहले शेखर थे, चंद्रशेखर। हाँ भट्टे वाले कलियर भट्टा था। हाँ हाँ जी। अच्छा औरतें जैसी मोटरसाइकिल तो कोई गिरती गिरती भी है? अजी रोज दुर्घटना हो रही, रोज पत्थर देख लो कैसे पड़े, गाड़ी पीछे ला धड़ाक से गिर जा। औरतें गिर जाती हैं? हाँ औरतें गिर जा, बैठी ढिल्ले ढिल्ले का बैठी अपना ढहका लगा नीचे। ठीक है बोलते रहो। इस वजह से ड्राइवर को भी कुछ पता नहीं चला। ड्राइवर को जब कुछ नहीं पता चला तो यहाँ मौके पर दोनों सगे भाई थे जी, बहुत दर्दनाक घटना हुई थी जी। और इसी तरह का अब भी हमें कहाँ के थे जो जिसकी मृत्यु हुई थी नगले के जी, जेल गए, एक मिनट का भी मौका नहीं मिला था माफी तलाफी का भी। अजी हम तो ये चाह रहे कि हमारे रोड की पूरी की वीडियो बनाई जा पूरी सर्किल की, और इसे जो है राठौड़ के खिलाफ विकास मंत्री को दी जा और एमपी को। हाँ टूट गया था, 2 लाख रुपए का पूरा खर्चा आया क्यों जी रोड के? इस रोड के बारे में मतलब बोलो। सही करे पानी मतलब लिख नहीं जाता है, कहने कितने रोज गिर रहे वो बेतुके। दोनों भाई इधर से आ रहे थे, दोनों भाई यहाँ मौके पे जब ये रोड तो बिल्कुल सारा खराब है, आज तक एक मरतबा भी बना नहीं हो। चंद्रशेखर से पहले एक मेरे जहन में नहीं है कौन लोग थे जिन्होंने ये बनवाई थी, उसके बाद इस तरह का कोई रोड यहाँ तक कोई कार्य नहीं हुआ। हर मौके पर इलेक्शन के मौके पर विधायक भी आते हैं। शिकायत अब से पहले कहाँ की आपने? हमने एमपी के पास की थी, मुख्यमंत्री के पास गए, मदन कोशी के पास गए, राठौड़ के पास गए, किसी ने हमारा काम मंजूर नहीं किया। आईडीएम के पास भी गए, डीएम के पास भी गए, किसी ने नहीं दरखास्त पकड़ी। लिखित में दिया या मौके जी? दिया लिखित में, लिखित कल भी देखा है रोज नवाज डीएम के पास। अच्छा कल भी देखा है, ऑफिस में छोड़ आए। ठीक।